सो डियर स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फिल ओ एम आर शीट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू शो यू दिस सर्कुलर ये सर्कुलर जो है सी बी एस ई से है जिसमें ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन्स आर गिविन जो आपके ओ एम आर शीट से रिलेटेड हैं सारे You can see here a sample copy of my uh, yes uh, number two high detail of candidates will be pre-filled in the OMR sheet candidate so if you want to read all this uh, I will attach this uh, PDF in um, uh, description box so I just want to show you this thing that everything is written here I am going to uh, uh, explain you here in this video okay सो ना लिसन इट लिसन टू इट केयरफुली ये आपकी ओ एम आर शीट है यू कैन सी हीयर ये आपकी ओ एम आर शीट है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट योर इंफॉर्मेशन डिटेल जो पार्ट है उसकी बात करेंगे सो एज़ आई रेड अर्यर मैंने पहले पढ़ा था अभी कि जो इसका डिटेल पार्ट है वो प्री फिल्ड होगा पहले से फिल हुआ होगा आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है आ, ये देख सकते हैं ये चीज़ें जैसे इसमें प्री फिल्ड हैं तो प्री फिल्ड होंगी हर एक चीज़ पहले से भरी हुई होगी होने वाली कोई भी चीज़ नहीं होगी बट वॉट यू हैव टू डू आपके रोल नंबर आपको मिल जाएंगे वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू चेक इट ऑल द डिटेल्स कहीं ऐसा ना हो किसी बच्चे से चेंज हो जाए तो सारी डिटेल्स वग़ैरह आपको आपको एक बार ध्यान से देखनी होगी तो जैसे ये रोल नंबर है रोल नंबर इज रिटिन हीयर 1268 टू सिक्स एट एंड इट इज़ रिटिन इन वर्ड्स इन सेकेंड कॉलम यू कैन सी हेयर वन करोड़ ट्वेंटी सिक्स ठीक है डे फ्राइडे इस पैटर्न में लिखा हुआ होगा डे जो है वो फ्राइडे डैश ब्रैकेट में जो है डेट लिखी हुई है देन आफ्टर दैट सेंटर का नेम सेंटर जहाँ आप एग्ज़ाम देते हैं और स्कूल कोड और नेम वहाँ वो होता है जिसमें आप पढ़ते हैं तो सेंटर uh, जो प्लेस है दैट विल बी वेयर यू विल गिव एग्जाम ठीक है तो ये ऑलरेडी फिल्ड होगा सारा इंग्लिश uh, कोर का पेपर है थ्री ज़ीरो वन उसका कोड है तो इस तरीके से फिल होगा थ्री जीरो वन डैश इंग्लिश कोर ये ऑलरेडी फ़िल्ड होगा मतलब आपको नहीं फिल करना है ऑलरेडी फ़िल्ड होगा आपका नेम फिल्ड होगा ऑलरेडी और आपके फादर का नाम होगा दिन स्कूल का कोड एंड नंबर एवरीथिंग विल बी फिल्ड ऑलरेडी सब आपको पहले से फिल किया हुआ मिलेगा आपको नहीं फिल करना है एंड सबसे मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है यू विल नॉट यूज़ एनी जेल पेन यू विल नॉट यूज़ एनी पेंसिल इन ओ एम आर शीट रिमेंबर दिस थिंग जेल पेन नहीं यूज़ करना है पेंसिल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है ठीक है नाउ दिस इज जो है अधीक्षक की मोहर लगेगी इट इज़ नॉट योर वर्क सो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है ये ऑलरेडी जो है वो जो आपके वहाँ पर इन्विजिलेटर आएंगे ये वहाँ पर उनकी स्टैंप लगेगी इसके बाद में हम आते हैं नीचे यस। एक चीज़ और यहाँ पर होगा क्वेश्चन पेपर कोड ठीक है तो जो कोड दिया होगा लाइक थ्री ज़ीरो वन दिया है फिर स्लैश दिया है फिर ये इस तरीके से आप फिल करेंगे और किससे करेंगे ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ना कि जेल पेन से ठीक है इसके बाद में आप देखेंगे रॉन्ग मेथड दिया हुआ है रॉन्ग मेथड में आपने पूरा ब्लैक फिल किया है ब्लू लेते हैं आप बार बार यूज चेंज मत करना कि आधे आपने सर्कल जो है वो ब्लैक से किए हैं आधे आपने किए हैं वो ब्लू से किए हैं ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप आइदर यू विल यूज़ ब्लू ब्लैक ब्लू बॉल पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन ठीक है ब्लू या ब्लैक कोई भी लेंगे तो एक ही यूज़ करिएगा पूरे में ऐसा जैसा कोई रूल नहीं है बट फिर भी आगे आप ऐसे ही करेंगे ये रॉन्ग मेथड दिया हुआ है करेक्ट मेथड दिया हुआ है ये देख लीजिए सर्कल फिल करना है पूरा ऐसे नहीं करना है बीच में बॉक्स बना दिया डिज़ाइन कर दिया हाफ कर दिया ऐसे कुछ भी नहीं करना है प्रॉपर पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे फिल करना है नाउ विल कम ऑन दिस जो रिस्पॉन्स पार्ट है तो डिटेल्ड पार्ट ऑलरेडी प्री फिल्ड होगा ये ऑलरेडी भरा हुआ होगा आपको इसको नहीं बट लेकिन चेक ज़रूर करिएगा आप लोग लेकिन आफ्टर दैट हम आते हैं रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कैसे देना है क्वेश्चन नंबर वन टू टेन सबसे पहले आपको क्या करना है ट्वेंटी मिनट्स यू विल गेट ट्वेंटी मिनट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर ठीक है सो so, आप क्या करोगे उससे अगर आपको मिल कुछ तो आपको सपोज क्वेश्चन टेन क्वेश्चंस दिए हैं टेन में से एट करने हैं सो व्हाट विल यू डू क्वेश्चन नंबर टेन पर मार्क कर लोगे ठीक है फिर उसके बाद में एट जैसे इंग्लिश की बात करूँ मैं तो ऐसे ही दिया है फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें टर्न टेस्ट टेन क्वेश्चन विल बी देयर और वहाँ पर से उसमें यू विल हैव टू अटेम्प्ट एट क्वेश्चन ठीक है तो आप क्या करोगे टेन पर मार्क कर लोगे जिससे आपको याद रहेगा कि टेन में से एट करने हैं देन एलेवन टू एटीन है ठीक है, है तो एलेवन टू तो आप एटीन पे एक मार्क कर लोगे तो एटीन पे आप मार्क करोगे तो आपको पता रहेगा इसमें एटीन में से सिक्स करने हैं हमें ठीक है एटीन में से सिक्स मतलब एटीन नंबर जो है वन टू एट है उसमें से सिक्स मार्क करने हैं फिर पे एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें फाइव या सिक्स क्वेश्चन होंगे सिक्स में से आपको तो इस तरीके से आप मार्क कर लोगे ठीक है इससे ये क्या रहेगा जैसे आपके क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश पोर्शन तो थर्टी वन में आपको पता है कि थर्टी वन से लेकर सिक्सटी तक आपको ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है तो यहाँ पर कोई मार्क करने की ज़रूरत नहीं है बट बिफोर यहाँ वन टू थर्टी तक आपको ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है अब आप देख सकते हैं एक कॉलम में वन टू फिफ्टीन तक दिए हुए हैं नंबर्स तो टेंथ तक आता है तो ये काम आप ऑलरेडी करके रखोगे इसके लिए आप वेट नहीं करोगे जिससे बाद में आपका टाइम बचेगा क्योंकि पेपर लेंदी आता है आपको एक एक चीज पढ़नी होगी तो इसके लिए आपके पास में टाइम कम बचता है ठीक है ओके सो नाउ सपोज कि बहुत ध्यान से सुनिएगा लिसन टू मी केयरफुली सपोज आपका आंसर बी है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू आप जो आपको ट्वेंटी मिनट्स मिलेंगे उसमें यू विल मार्क जो क्वेश्चन नहीं करने हैं आप उसे अपने क्वेश्चन पेपर पर ही मार्क करना इस पर नहीं करना है ठीक है वहीं आप देख लोगे कि हमें ये नहीं करने हैं जिससे आपका टाइम बचेगा ठीक है उसके बाद में उन क्वेश्चंस को जो आपने देखा है इसमें लिख जो जो हैश वाली लाइन दी हुई है आप देख सकते हैं उस लाइन को आपको सिर्फ नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को फिल करने के लिए मतलब वहां पे आप डार्क तब करोगे जब वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करोगे देखिए हर एक लाइन में हैश वाली जो लाइन दी हुई है वो ठीक है नाउ बॉक्स दिया गया है बॉक्स वाले आप यह समझ लीजिए कि जो बॉक्स में आप आंसर लिखोगे दैट विल बी इवेल्युएटेड दैट विल बी चेक दैट विल बी कंसिडर्ड द फाइनल आंसर सपोज आपने बी आंसर मार्क कर दिया फर्स्ट का लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं आपने बाई मिस्टेक भी कर दिया है तो आप बॉक्स में आपको लगता है कि सी है तो आप बॉक्स में सी लिखोगे ठीक है मतलब जो आपका फाइनल आंसर होगा स्टार वाली लाइन में आपका जो फाइनल आंसर होगा आप वो लिखोगे सपोज क्वेश्चन नंबर टू में आपने सी डार्क कर दिया ठीक है और फाइनली भी आपको सी ही लगता है तो आप बॉक्स में सी ज़रूर लिखोगे बॉक्स फिल करना इज मैंडेटरी है बहुत ज़रूरी है और हैश वाली जो लाइन है जब आप अटैम्प्ट नहीं करोगे तो उसको को करना होगा इनकेस इनकेस टेन में से आप पूरे टेन क्वेश्चन देते हो आप ये सोचते हो कि टीचर जो भी चेक करेंगे ये मैनुअली चेक होंगे जो भी चेक करेंगे वो आपके सारे करेक्ट आंसर्स ही मार्क्स ही देंगे ऐसा कुछ नहीं होगा अगर टेन में से एट कर आप पूरे टेन कर देते हैं और आप कोई भी डार्क नहीं करते हैं कि आपने कोई भी क्वेश्चन तो आपके स्टाफ फर्स्ट टू एट ही चेक होंगे टू जो क्वेश्चन एट और नाइन और टेन है वो छोड़ दिए जाएंगे वो चेक नहीं किए जाएंगे आइदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट ठीक है तो पहले से ही आपको ये मार्क करके रखना है कि आपको जो क्वेश्चंस लगता है कि आपको नहीं आते हैं डाउटफुल है आप उन्हें उनके नंबर्स को ब्लैक करोगे ठीक है जो हैश वाली लाइन है उसे ब्लैक करोगे ओके आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ सो इन दिस वे आप आपको लगता है क्वेश्चन नंबर फोर में ए आंसर है तो आप ए डाक करोगे अच्छा एक चीज़ और याद रखेंगे सारे बच्चे देखिए आई कन्फर्म दैट सबसे नीचे देखिए ये रेड लाइन से लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर गिवन ब्लो आर करेक्ट आपको इसको यू हैव टू राइट दिस लाइन इन योर हैंड राइटिंग एंड देन यू विल साइन हीयर कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड ठीक है रनिंग हैंड मीन्स बिल्कुल जैसे आप लिखते हुए अपना नेम नहीं लिखना है अलग अलग ब्लॉक लेटर्स में नेम नहीं लिखना है यू हैव टू साइन इन रनिंग लेटर्स रनिंग हैंड मतलब सिग्नेचर करने हैं आपको ठीक है सो यू विल राइट दिस स्टेटमेंट द सेम स्टेटमेंट आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिविन अब आर करेक्ट आप अपने हैंड राइटिंग में इसको दोबारा लिखेंगे ठीक है एंड देन यू विल साइन और मैंने आपको बताई दिया रिस्पॉन्स कैसे देना है बी वाला है बी करेक्ट है बी करोगे उसके बाद में बी बॉक्स में लिखोगे इन केस आपको बाद में लगता है कि नहीं और दो तीन सर्कल नहीं फिल करना है कि आपने ए भी फिल कर दिया और सी भी फिल कर दिया तो सामने वाले टीचर देख लेंगे जो करेक्ट होगा वो कर देंगे ऐसा कुछ नहीं होगा दूसरी चीज़ आपने अगर सी डाकन किया हुआ है और आंसर लिखा है डी तो आपका डी चेक किया जाएगा सी आंसर नहीं चेक किया जाएगा और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इन सर्कल्स को डार्क ना करो इट इज़ ऑल्सो वेरी कंपल्सरी बहुत ज़रूरी है ये भी आपको सर्कल्स भी डार्क करने हैं आपको ब्रैकेट में करेक्ट आंसर भी लिखना है और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हैं उनको हैश वाली लाइन में आपको हैश वाली लाइन में आपको सॉरी च वाली लाइन में आपको डार्कन भी करना है सो so, 20 मिनट्स आपके बहुत इम्पोर्टेंट uh, टाइम होता है जिसमें आप यू डिसाइड कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट कौन सा नहीं करना है ठीक है रिमेंबर दिस थिंग 20 मिनट्स आप करोगे क्योंकि आपको 90 मिनट्स मिलेंगे टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर बट ट्वेंटी मिनट्स आप क्या करोगे स्टूडेंट्स थिंक दैट वॉट दे विल डू इन ट्वेंटी मिनट्स क्यों दिए ऐसे अच्छा हम अट कर लेते दीज ट्वेंटी मिनट्स आर टू सी क्वेश्चन टू रीड द क्वेश्चन पेपर कि आपको कौन से अटैम्प्ट नहीं करने हैं उनको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेने के लिए क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेने के लिए सो यू विल रीड द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली इन ट्वेंटी मिनट्स एंड यू विल मार्क दोज क्वेश्चन दोज यू डोंट वॉन्ट टू अटैम्प्ट ठीक है आफ्टर दैट फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए ईजी हो जाएगा वैन यू विल स्टार्ट अनसिन पैसेजेस आते हैं कई सारी चीज़ें सो वेन यू विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में जो है डाउट्स नहीं रहेंगे ठीक so okay. है आप आपके इंग्लिश में 60 में से फिफ्टी क्वेश्चन करने होंगे हाँ सिक्सटी है तो सपोज हिंदी में आपके फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे तो बाकी के जो जो सर्कल्स uh, हैं वो उनमें आप कुछ मत करिएगा फिफ्टी पर ही मार्क लगा दीजिएगा फिफ्टी के बाद के क्वेश्चंस की फिफ्टी तक फिफ्टी में से आपको फोर्टी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं लाइक हिंदी में और मैथ्स में तो आप क्या करेंगे 50 पर एक लाइन लगा देंगे और 50 के पहले के ही क्वेश्चंस करेंगे बाद जो 51 से लेके 60 तक है यू विल नॉट अटेम्प्ट और यू विल नॉट डार्क इन एनी थिंग कुछ आप टच नहीं करोगे उनको 51 से 60 तक ठीक है ये हिंदी और इंग्लिश की बात कर रही करी बिकॉज इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक इन इंग्लिश हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स सिक्सटी क्वेश्चन आर गिवन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट फिफ्टी क्वेश्चन है ऐसे ही है ना कि सिक्सटी क्वेश्चन दिए हुए उनमें से फिफ्टी अटेम्प्ट करने हैं वो किस तरीके, तरीके, तरीके करने हैं मैंने आपको बता दिया कि अगर टेन में से एट करने हैं तो आप ऑलरेडी टेन तक मार्क करके और फिर उसके बाद में उनमें से एट कर लो पहले से ही आप अपने लिए ट्वेंटी मिनट्स जो आपको दिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा वो इसी काम के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप इसको देख लो अच्छे तरीके से समझ लीजिए ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिर भी इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं थैंक यू सो मच एवरीवन